अलंकार की इस कड़ी में अगले अलंकार के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं। कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल ये अंतिम अलंकार है जिसका नाम है व्यतिरेक अलंकार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और व्यतिरेक अलंकार की पहचान, लक्षण और उसके उदाहरण को हम अभी आपके समक्ष यहाँ पर देखते हैं। चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। चलिए देखते हैं कि जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई भली या बुरी बात अधिक बताई जाती है, भली या बुरी, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाता है। उपमेय क्या होता है? सामान्य या प्रस्तुत पदार्थ जिसका वर्णन किया जा रहा है, और उपमान होता है प्रसिद्ध या अप्रस्तुत पदार्थ जिसे उदाहरण के रूप में लिया गया हो। उदाहरण क्या देखते हैं कि साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार। विविच्य पद में सज्जन पुरुष को पर्वत के समान ऊंचा या विराट बताया गया है, किंतु उसमें एक बात अधिक बताई गई है कि सज्जन व्यक्ति की प्रकृति कोमल, ये प्रकृति मतलब स्वभाव कोमल या सुकुमार होता है, जबकि पर्वत की कठोर प्रकृति होती है। आगे लिखा है कि शरत चंद्र की समता राधा मुख से है नहीं, दिन मलिन वह घटता बढ़ता यह विकसित दिन रे। कि शरत चंद्र की चंद्र समानता जो है वह राधा मुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि दिन मलिन की वह देख तो दिन में मलिन रहता कौन, चंद्रमा, और घटता बढ़ता भी रहता है, जबकि राधा का मुख जो है यह तो दिन रात बढ़ता ही बढ़ता या विकसित ही होता रहता है। संत रेधे नवनीत समाना, कहा कभी न परिकहे न जाना, निज प्रताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवित सुसंत पुनीता। कि किसी दूसरे के, अब घी जो है वो यहाँ पर पहली पंक्ति में देखिए तो संत के हृदय को घी के समान बताया है, क्योंकि दोनों बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। कहा कभी न परे कहे न जाना, निज प्रताप द्रवे नवनीता, अपने प्रताप से नवनीत जो घी है वह मक्खन जो है वह द्रवित हो जाता है, पर दुख द्रवित द्रव ही सुसंत पुनीता। लेकिन जो सज्जन लोग हैं उनका हृदय तो जो है वह किसी दूसरे व्यक्ति के दुख से ही द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? व्यतिरेक अलंकार माना जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।